अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीनों हज़रात, जिसका था आपको इंतजार वो खरिया खत्म। जी हाँ, मुफ्त आटा कैसे ले, कफालत प्रोग्राम में कैसे शामिल हो, बेनजीर इनकम सपोर्ट में कैसे शामिल हो, आज तफसील आपको बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो YouTube के ऊपर देखने की जरूरत नहीं होगी। तीन तरीके यानी कि तीन मेथड आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल, जो आपको समझ आएगी। आप खवातीन है, बुजुर्ग है, चाहे जवान है, कुछ भी है, आपको बहुत आसानी के साथ समझ आएगी। बदकिस्मती के साथ YouTube के ऊपर इंतहाई झूठ फैलाया जा रहा है और इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपने आपके अकाउंट में 5 से 10 रुपए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला आपने काम करना है, NIC नंबर लिखकर आपने 8171 पर सेंड कर देना है, जो कि पुराना तरीका है, ये भी आपने लाजमी करना। आप चलते हैं नए तरीके की जानब, वो आपने क्या करना है, 8070 पर NIC नंबर लिखकर आपने सेंड कर देना है। बात रही कि आटा कैसे मिलेगा, याद रखिए आपको कोई जवाब आए या ना आए, आपने अपने करीबी जैसे कि इतवार बाजार, रमजान बाजार, रमजान बाजार या करीबी जो भी आपका बाजार है जहां पे ट्रक आता हो, वहां पे जाके आपने ID कार्ड देना है और आपको आटा इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, अगर आप अहल हो जाते हैं तो। अच्छा, बात रही तीसरे तरीके की, बहुत ही आसान तरीका, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो लोग ये करते हैं YouTube, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, गलत गलत वेबसाइट पर ले जाते हैं अपने व्यू हासिल करने के लिए, लोगों को धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ इंतहाई गलत और घटिया अमल है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे गूगल क्रोम पे चले जाना है, वहां पे लिखना है आपने एहसास प्रोग्राम। एहसास प्रोग्राम लिखने के बाद वहां पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद एक बात आपने बहुत ध्यान से रखना, जो सबसे बड़ी आप गलती करते हैं, एहसास प्रोग्राम आपने लिखना है, उसके आगे आपने लिखना है GOV, इसका मतलब ये होता है गवर्नमेंट। चले इसे आपने क्लिक कर दिया, वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर ये रही, नजर आ रही है आपको, ये गवर्नमेंट जो लिखा हो ना, यहीं पे आपने क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक कर दिया, नीचे क्या ऑप्शन आ गया, नीचे आ गया कि आपने ID कार्ड नंबर लिखे, यहाँ पे आप ID कार्ड नंबर लिखे, ठीक है। ID कार्ड नंबर लिखने के बाद ये नीचे क्या कह रहा है, कोड कह रहा है, इसे आप एंटर करें। एंटर करने के बाद ये आप देख सकते हैं, ठीक है, जो भी ऊपर लिखा हुआ कि आप अपने करीबी मरकज पे जाए, ठीक है, बराए मेहरबानी आप अपने करीबी मरकज पे जाए। तो मरकज का आपने कैसे सर्च करना है वो भी आपको बताता है, लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लोग इतने परेशान होते हैं कि करीबी मरकज कैसे जाए, हम कैसे वो बेनजीर आटे के लिए कैसे अप्लाई करें, मैं आज इसका भी आपको मेथड बताता हूँ। अच्छा, करीबी मरकज के लिए आपने ऊपर गूगल पे लिखना है एहसास ऑफिस इन लाहौर, अगर आप लाहौर से हैं तो आपने ये लिखना है एहसास प्रोग्राम इन लाहौर, रावलपिंडी से है तो आपने लिखना है एहसास प्रोग्राम इन रावलपिंडी। आप जहां से भी हैं आपने इनके आगे अपना शहर का नाम लिख देना है। ये मैंने एंटर कर दिया, देखे जैसे कि लाहौर, ये मजांग चुंगी में आ रहा ना ऑफिस बी ब्लॉग, ऐसे ही आप चाहे कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, जहां से भी आपने ये सर्च करना। नंबर वन क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेनजीर इनकम सपोर्ट में जो दूसरी खवातीन गलती करती है, आज मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी माए, मेरी बहनें जो भी वीडियो देख रही है, अब जरा इस बात को गौर से सुनिएगा कि अगर आप बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहती है तो वो आप कर सकती है, लेकिन आपका शादीशुदा होना जरूरी है, लाजिम है। दूसरा, आपके बच्चों का बेफारम सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं वो भी होना जरूरी है। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, खवातीन को, मेरी माए और बहनों को काफी सारी परेशानी है इस बात की, आज मैं आपको वजाहत देता चलूं कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट है वहां पे ये राशन नहीं मिलता। अब मतलब कि जो पैसे इनको मिलते हैं 10,000, 500, 15,000, जितने भी पैसे मिलते हैं, वो आप उसके लिए अप्लाई कर सकती है, ठीक है, आपके शादीशुदा होना लाजम है, लेकिन आप राशन के लिए अगर आप बेनजीर इनकम सपोर्ट पे जा रही है तो वहां पे आप नहीं जाएंगे, ठीक है। मैं दोस्तों ये वीडियो थी, अच्छा एक बात मैं क्लियर करता चलूँ, ये वेबसाइट का जो लिंक है ना वो मैं आपको क्लियर बताता चलूँ, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, खवातीन मेरी सीधी सादी होती है, नहीं समझ आती, मेरे बुजुर्ग, मेरी बहनें, मेरी माए जिनको नहीं समझ आती थी यूट्यूब की, मैं आपको एक नीचे छोटा सा ट्रिक बना हुआ यहाँ पे, मैं कोशिश ये करूंगा आपकी आसानी के लिए, जहाँ पे अप्लाई करने का लिंक है ना वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओरिजिनल, झूठ बोलने वाले पर लानत है, क्योंकि मैं सिर्फ व्यू के लिए या सब्सक्राइबरों के लिए ऐसा नहीं करता और ना ही मैं टाइम वेस्ट करता हूँ। यकीन जाने इंतहाई दुख
और मैं समझता हूँ कि इंतहाई शर्म का मकाम होता है जब मैं ये देखता हूँ कि लोग बातें की जाते हैं, करी जाते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, इतनी इतनी लंबी वीडियो बनाते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, सब कुछ गलत देते हैं। पता क्या कहते हैं, आज राशन आटा ऐसे, ये है वो, ऐसा करें, घुमा फिरा के वीडियो को लंबी कर देते हैं। यार देखने के लिए लोग आते हैं एतमाद के लिए कि यार हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सब्सक्राइब करना या ना करना ये अलग चीज है, लेकिन खुदा के लिए अब आपको गुमराह ना करें। क्या आप यूट्यूबर, आपने अल्लाह के आगे जवाब नहीं देना? ये लोग आपको देखने के लिए आते हैं, सर्च करने के लिए आते हैं ना कि यार कहीं हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो खुदा ना अच्छी इन्फॉर्मेशन देना ये भी एक सदका जारिया है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कोशिश करता हूँ मुकम्मल ईमानदारी के साथ बात करूं। कुछ चीज अगर रह गई है, कोई सवाल रह गया, तो प्लीज आपसे मेरी दरखास्त होगी मुझसे जरूर पूछे। मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना मुझसे हो सके, मेरे जितने भी व्यूवर देखने वाले सबको पता है कि मैं रिप्लाई सबको ही देता हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अगर जिंदगी रही तो मैं रिप्लाई सबको देता हूँ। पहला काम आपने क्या करना है, दोबारा नोट कर ले, आईडी कार्ड नंबर लिखकर 7181 पे सेंड कर देना। दूसरा काम आपने ये करना है, आईडी कार्ड नंबर लिख के 7070 पे कर देना। रिप्लाई आए या ना आए, ये बार गौर से सुन ले, रिप्लाई आए या ना आए, ये दो काम कर दे। तीसरा काम ये करना है, जो आपको मैंने वेबसाइट बताई है, इनकी अपने ही एहसास प्रोग्राम गवर्नमेंट की ऑफिशियल है, यहाँ पे जाके आईडी कार्ड नंबर लिखे, नीचे वो कैप्चा कोड ओके कर देंगे, आपकी डिटेल इनके पास चली जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, आईडी कार्ड जो मैंने ऊपर हाइड कर रहा हूँ, प्राइवेसी के लिए यूट्यूब के रूल होते हैं, इसलिए मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये तीन काम आपने लाजमी करना है। चौथा काम आपने ये करना है कि अगर आपको राशन फिर भी नहीं मिल रहा तो आपने अपने करीबी जाना है, करीबी मतलब अपने इतवार बाजार, जहां भी आपके करीब इतवार बाजार, पीर बाजार, रमजान बाजार, जहां करीब करीब आपके आता है, वहां पे आपने कंफर्म करना यार यहाँ आटे वाला ट्रक आया कि नहीं, उनको जाके कहना कि भाई मेरा ये प्रोग्राम में शामिल हुआ कि नहीं, आप अपना आईडी कार्ड दे, अगर आप अहल हुए। एक बात मुझे बहुत ज्यादा दुख के साथ ये कह रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ कि खुदा रहा, वो खुदा का खौफ करें, ये पाकिस्तानी आवाम है, जो गरीब आवाम, और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये दरखास्त है कि जनाबे वाली जो भी अप्लाई करते हैं उन्हें आप आटा दें। याद रखें, सफेद पोश लोग मांग नहीं सकते, तो ये आपका बुनियादी हक है कि आप उन्हें आटा दें। जहरी बात है, गरीब आदमी ही अप्लाई करता ना, कोई अमीर आदमी लाखों करोड़ों पति तो इंसान अप्लाई नहीं ना करेगा एक आटे के लिए या राशन के लिए या पैसों के लिए। तो बराए मेहरबानी, हमारे ये गरीबों के टैक्स का पैसा ही है, जो बंदा या जो भी मर्द, जो भी खवातीन, माँ, बुजुर्ग अप्लाई करता है तो खुदा ना उन्हें वो राशन दे, वो आटा दे, वो जरूरतमंद है तो अप्लाई कर रहा है। अब सबके सब तो लोग ऐसा नहीं कि जो लोग जरूरतमंद ही वही अप्लाई करना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होता यार दोस्तों, अगर हुआ भी तो इक्का दुक्का होगा, लेकिन जो जरूरतमंद, जो भी इंसान अप्लाई करता है उन्हें आप जरूर दे। मैं देख रहा हूँ कि खवातीन को, लेडीज को धक्के मारे जा रहे हैं, मैं वीडियो देख रहा हूँ, आईडी कार्ड भी दे, तस्लील की जा रही, ऐसे किया जाता है। मरियम बीबी, आप भी जरा होश के नाखून ले करें, तो ये गरीब आदमियों की, गरीब लोगों की आवाज सुने, इनको राशन प्रोवाइड करें, मेरी आप लोगों से दरखास्त होगी। इस बार मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन का नहीं कहूंगा, दिल इजाजत देता है तो कर दे। ये चैनल प्राइस बोर्ड और प्राइस बोर्ड का ही रिजल्ट बताता हूँ मैं, सिवाय 40,000 और 25,000 रुपए वाले प्राइस बोर्ड का रिजल्ट मैं नहीं बताता हूँ, ये हराम है, सूद के जुमरे में आते हैं, इसलिए ना तो थाई लॉटरी का और ना ही 40,000 और 25,000 रुपए वाले प्रीमियम प्राइस बोर्ड का इस चैनल के ऊपर रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ एक बात बहुत ज्यादा क्लियर, मेरे बुजुर्ग खवातीन जितने भी है, लोगों को समझ नहीं आती, मैं क्या करूँ, ये नीचे देखिए छोटा सा पॉइंट बना, ये तीर का निशान आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना पहला लिंक। वीडियो मेरी वायरल जाती है ठीक है, नहीं जाती ना जाए मुझे परवाह नहीं है, लेकिन हकाई की है कि मैं लिंक सबसे पहले लगाऊंगा, वहां पे वेबसाइट पर जाके अपना आईडी कार्ड नंबर लिखे ठीक है, और आप कैचअप फुल करें ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और अप्लाई करें। अल्लाह करे कि आपकी जरूरतें और आपकी मुश्किलें आसान हो, अल्लाह पाक इस मुल्क पाकिस्तान को अपनी हिस्सों ईमान में रखे और मजलूम फलस्तीन के मुसलमानों को अल्लाह पाक फतह नसीब फरमाए, आमीन। काश के हमारे हुक्मरान जाग जाए, उन्हें मजलूम फलस्तीन के मुसलमानों की सिसकियां, हिसकियां नजर आए, बरोज कयामत वाले दिन हम अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे कि हम सबको अपनी अपनी परी हुई थी। ये बात गौर व फिक्र करने वाली है, सोच करें। और एक शेर मैंने इमरान खान साहब के लिए लिखा, वो शेर क्योंकि मैं इमरान खान को पसंद करता हूँ, ओपनली कहता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, और खान साहब के लिए शेर है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, यानी रास्ते से हटाया जा रहा है, हम जानते हैं ये जहर है जो हमें पिलाया जा रहा है। अल्लाह पाक इस मुजाहिद को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह पाक इस मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। इजाजत दीजिएगा, मेरा नाम है मोहम्मद रबीज, आप देख रहे थे 1:1 प्राइस, अस्सलाम अलैकुम।